नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में हुआ बदलाव। मार्च से खनन पुलिस संभाल लेगी मोर्चा। पटना से रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज, पर्यटकों ने तख्त श्री हरमंदिर में टेका माथा। किसानों को मिलेगी सिंचाई में सहूलियत, बिहार में होगा कोयल नहर का निर्माण। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमडीएल ने 50 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। माझगांव डॉक सिप बिल्डर्स लिमिटेड ने विभिन्न डिसिप्लिन में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 50 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क या इवेंट मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट majgaondoc.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए सूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब तारीख 23 जनवरी 2023 तक की विस्तारित अवधि में विलंब शुल्क के साथ किया जाएगा। इसलिए शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान से छूटे गए विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिनांक 23 जनवरी तक सुनिश्चित कर ले। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों का उनके शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद भी शुल्क जमा नहीं किया गया है, वो भी 23 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी करें। इसके अलावा बोर्ड के द्वारा 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसे बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा की शुरुआत 1 फरवरी से हो रही है। किसानों को मिलेगी सिंचाई में सहूलियत, बिहार में होगा कोयल नहर का निर्माण। जल संसाधन विभाग नवीन नगर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में सांसद सुशील कुमार सिंह का प्रयास बिहार में 1,364 करोड़ की लागत से उत्तर कोयल नहर का पुनर्निर्माण करवाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि इस नहर के पुनर्निर्माण को लेकर अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है, जिन्होंने युद्ध स्तर पर DPR तैयार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस नहर का पुनर्निर्माण झारखंड व बिहार बॉर्डर के 103 RD से लेकर गया जिला स्थित नहर के अंतिम छोर तक 357.9 RD तक कराया जाएगा। आने वाले 1-2 हफ्ते में इस नहर से जुड़ी सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और संभावित मार्च अप्रैल माह से इससे जुड़ी कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसका निर्माण हो जाने से किसानों को सिंचाई करने में काफी सहूलियत मिलेगी। मार्च से खनन पुलिस संभाल लेगी मोर्चा। बिहार में बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए मार्च 2023 से परिवहन एवं भंडारण पर खनन पुलिस के द्वारा नजर रखी जाएगी। बता दें कि खनन पुलिस की पकड़ में आने पर न केवल दोषी पाए गए व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनका बालू भंडार भी जब्त हो जाएगा। इसके लिए पुलिस की गठन की प्रक्रिया खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा खनन पुलिस गठन की कवायद के क्रम में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त पुलिस अनवर निरीक्षक और पुलिस निरीक्षकों से 30 जनवरी तक आवेदन मांगा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि विभाग पहले चरण के तहत दरोगा और इंस्पेक्टर के पदों पर 6 महीने के लिए बहाली करेगा। कार्य संतोषप्रद होने पर इन्हें अवधि विस्तार दिया जाएगा। वहीं अगर कार्य संतोषप्रद नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में 1 सप्ताह का नोटिस देकर हटाया जा सकेगा। बताते चले खनन पुलिस के द्वारा विभाग के द्वारा अधिकतम आयु की सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे कुटगारशाला विहार के बारे में। कुटगारशाला विहार प्रांत के वैशाली जिले का बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। इस पर्यटन स्थल के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध वैशाली प्रवास के दौरान बारिश के मौसम में इस जगह पर रुका करते थे। वास्तव में यह एक छोटी सी चिता है जिसे सुंग काल में बनाया गया था। बता दें कि उत्खनन के द्वारा इस स्थान की 3 चरणों को उजागर किया गया है। इस स्थान के दूसरे चरण में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और तीसरे चरण में विभिन्न दीवारों द्वारा विभाजित करके मैथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। बारिश के मौसम में इस स्थान पर बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं क्योंकि यहाँ से प्रकृति का नजारा बेहद सुंदर और आकर्षक नजर आता है। बिहार
में अब ऐसी होगी शराबियों की पहचान। UIDAI की तरफ से आधार सत्यापन के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार में मद्य निषेध अधिनियम के तहत पकड़े जाने वाले आरोपियों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण व ऑपरेटर की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि फिलहाल आवश्यक उपकरण और ऑपरेटर की व्यवस्था पटना जिले के 3 उत्पाद कार्यालयों में की जा रही है, जिनमें पटना, दानापुर और बाढ़ शामिल है। इन स्थानों पर आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया ट्रायल के रूप में सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के बाद सूबे के अन्य जिला उत्पाद कार्यालयों में भी इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। इस व्यवस्था के शुरू हो जाने से मद्य निषेध अधिनियम के तहत पकड़े जाने वाले आरोपियों की बायोमेट्रिक पहचान रहेगी, जिससे अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने में आसानी होगी। पटना से रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज, पर्यटकों ने तख्त श्री हनुमंदिर में टेका मत्था। बीते दिन लग्जरी गंगा विलास क्रूज पटना पहुंचा, जिसके बाद उसमें मौजूद विदेशी पर्यटकों ने तख्त श्री हनुमंदिर में अपना मत्था टेका। इस दौरान पर्यटकों को गुरुद्वारा के मुख्य द्वार पर ढोल से स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर चंदन टीका लगाकर गुलाब भेंट कर सांसद रामकृपाल यादव, महापौर सीता साहू समेत कई लोगों के द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। पटना भ्रमण करने के बाद बंदरगाह पर लौटे विदेशी पर्यटकों को एक छोटे जहाज राजगुरु पर सवार कर गंगा के बीच खड़े गंगा विलास जहाज पर पहुंचाया गया, जिसके बाद अब इस जहाज का अगला पड़ाव सिमरिया मुंगेर से भागलपुर होते हुए गंगा के रास्ते बांग्लादेश पहुंचेगा। इसके बाद यह क्रूज राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से ब्रह्मपुत्र के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। बिहार में जल्द खुलेंगे 9 नए डिग्री कॉलेज। राज्य सरकार के द्वारा बिहार में 9 नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल इन कॉलेजों के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, वहीं 21 करोड़ रुपए और दिए जाने बाकी है। बता दें कि राज्य में जिन स्थानों पर इन 9 कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा उनमें सहरसा जिले में सिमरी, बख्तियारपुर, कटिहार जिले में मनिहारी, बेगूसराय जिले में तेघरा व बलिया, पूर्णिया में बायसी, दरभंगा में बेनीपुर, पश्चिम चंपारण में बघा और नालंदा में राजगीर शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ट्वीट शेयर कर प्रशंसा की गई और साथ ही इसे अनुकरणीय भी बताया गया। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एनवायरनमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक एरिक सोहलेम ने ट्वीट शेयर करते हुए कहा कि शाबाश बिहार, एक सपना हकीकत बन जाता है। गंगा जल आपूर्ति योजना भारत के जल तनाव वाले क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल पीने के पानी को संबोधित करता है बल्कि स्थायी पारिस्थितिक प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में भी कार्य करता है। वहीं इनके इस ट्वीट पर जल संसाधन तथा सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने रीट्वीट करते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सोलहे, वास्तव में यह एक प्रतिष्ठित परियोजना है और एक टेम्पलेट है जिसे सूखे और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे बिहार जैसे कई क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है। यह बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के लिए एक गवाही है, विशाल दृष्टि और विचारों को वास्तविक रूप में अनुवाद करने की उनकी क्षमता। बिहार के किसानों ने पैदा किया रिकॉर्ड अनाज। बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किसानों बीते 5 साल में 5 लाख टन अधिक अनाज पैदा किया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2016 से 17 में कुल 185 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया था, 2019-20 में 163.80 लाख टन, 2020-21 में 169.52 लाख टन और 2021-22 में 184.86 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार राज्य में 1 हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन 30.78 क्विंटल, धान का 37.45 क्विंटल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि मोटे अनाज का 678.28 हजार हेक्टेयर में 3,491.8 लाख टन उत्पादन किया गया है। वहीं दलहन फसल और ऑयल सीड्स में आने वाले फसलों का उत्पाद इस बार 387.943 हजार टन और 121,472 टन है। बिहार में इस तारीख तक शीतलहर और कनकनी से रहे सावधान। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 18 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के दक्षिणी भागों उत्तर पश्चिम सिवान, सारण व उत्तर मध्य मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर भागों में शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि कल से यानी कि 19 जनवरी से मौसम विभाग के द्वारा मौसम को लेकर किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं दी गई है। राजधानी पटना में धूप खिलने
चलने के बावजूद सर्द और शुष्क हवाओं ने सतह पर अधिकतम तापमान को ज्यादा ऊपर चढ़ने नहीं दिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्द हवाओं का प्रवाह तेज होने से ठंड बढ़ सकती है। जाति आधारित गणना का 75% कार्य हुआ पूरा। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जाति आधारित गणना के पहले चरण में अब तक 75% कार्य पूरा किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण में राज्य भर में सिर्फ उन घरों या बसावट की गिनती की जा रही है जिसमें लोग रहते हैं। बता दें कि पहले चरण का कार्य 21 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी जिलों से इसकी समेकित सूची राज्य मुख्यालय में जाति आधारित गणना कार्य के लिए बनाए गए नोडल डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी और इसी के बाद इन्हें समाहित करके राज्य स्तर पर जिलावार सूची तैयार किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में इन परिवारों की जाति की गणना की जाएगी जिसकी शुरुआत अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। 29 करोड़ की लागत से बिहार में तैयार हुआ आश्रय भवन। बीते कुछ साल पहले बिहार में बाल गृह एवं बालिका गृह से जुड़े बवाल सुर्खियों में रहे जिसके बाद बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बिहार के 12 जिलों में आश्रय भवन का निर्माण किया जाएगा जिसमें सुधार गृह संचालित किए जाएंगे। बता दें कि अब उन 12 जिलों में से कटिहार में समाज कल्याण विभाग के देखरेख में महज 18 महीने में 29 करोड़ की लागत से आश्रय भवन बनकर तैयार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस आश्रय भवन का विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उनकी समाधान यात्रा के दौरान 5 फरवरी को किया जा सकता है। कटिहार में आश्रय स्थल का निर्माण होने से न केवल कटिहार बल्कि सीमांचल के साथ साथ और कई जिलों के बालक बालिकाओं को रखे जाने का प्रस्ताव है। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन का नया पुल इतने समय तक बनकर होगा तैयार। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पटना के गंगा नदी पर दिग्घा और सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले 6 लेन का नया पुल के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस पुल के निर्माण के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट के द्वारा मंजूरी दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण 42 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा और 2026 से इस पुल पर लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि नए पुल को जेपी सेतु की दक्षिण की तरफ से गंगा एक्सप्रेसवे में जोड़ने के लिए अलग से 3.085 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि पुल और इसके अप्रोच रोड के निर्माण पर 2635.9 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सीएम नीतीश का ऐलान, अब धान खरीदेंगी जीविका दीदी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने समाधान यात्रा के दौरान जहानाबाद पहुंचे जहां उन्होंने जीविका दीदियों के संबोधन के अंत में एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब जीविका दीदियों को धान अधिप्राप्ति में भी लगाएंगे लेकिन इससे पहले सभी जीविका दीदियों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर इसके बाद धान की खरीद का जिम्मा जीविका दीदियों को दिया जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान यह भी देखा जाएगा कि इसमें से इस काम को करने के लिए कितने लोग इच्छुक है, उसके आधार पर ही धान की खरीद में ट्रेंड दीदियों को लगाया जाएगा। डीजीसीआई ने कोवोवैक्स के हिट्रो लोगस बूस्टर खुराक को दी मंजूरी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद भारत के औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई के द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोरोना 19 टीके कोवोवैक्स को ऐसे वयस्कों के लिए हिट्रो लोगस बूस्टर खुराक के रूप में बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी गई है जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों प्रारंभिक खुराक मिल चुकी है। इससे पहले डीजीसीआई के द्वारा 28 दिसंबर 2021 को वयस्कों के लिए हेट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में वयस्कों के लिए आपात स्थिति में कोवैक्स के सीमित इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी जिसमें 12 से 17 साल की आयु के लोगों के लिए 9 मार्च 2022 को और 7 से 11 साल के बच्चों के लिए 28 जून 2022 को इस टीके के सीमित इस्तेमाल का स्वीकृति प्रदान की गई थी। गणतंत्र दिवस में जीविका की झांकी में दिखेंगी उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की झलक। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग विषयों पर झांकी निकाली जाएगी। बता दें कि इस वर्ष लोगों को जीविका की झांकी में उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की झलक देखने को मिलेगी जिसमें जीविका दीदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी की जाएगी और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम को दिखाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार झांकी में लगभग 50 प्रतिभागी होंगे जिनमें 25 जीविका से जुड़ी महिलाएं होंगी, 15 अन्य राज्यों से बुलाए गए कलाकार और बचे शेष 10 की संख्या में जीविका के कर्मचारी होंगे। बता दें कि झांकी को रूप देने का कार्य 21 जनवरी से शुरू होगा।
जेपी नड्डा ही रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बीते दिन भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ऐलान कर कह दिया गया है कि जेपी नड्डा ही बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे और उनके ही नेतृत्व में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब उनका अध्यक्ष के पद पर कार्यकाल जून 2024 तक होगा। बताते चले कि जेपी नड्डा बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्ष 2020 में बने थे और इस साल उनका अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जिसे एक साल बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। इसके पहले वे जून 2019 से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर बोले नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसका जो मन करे उसे करना चाहिए, लेकिन धर्म पर किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसलिए इन सब बातों पर कुछ कहना ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, धर्म पर न विवाद होना चाहिए और न ही इस पर कुछ बोलना चाहिए। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन में किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जिस ढंग से लोग धर्म का पालन करते हैं वे पालन करें, सभी धर्मों की इज्जत होनी चाहिए, हमारा संविधान भी यही कहता है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। बीते दिन पटना जिले में अलग अलग योजनाओं का जायजा ले रहे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेता बिहार में एजेंडा सेट कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान को बेकार का इतना तुल दिया जा रहा है, यह कोई एजेंडा नहीं है। बेकार के कुछ लोग इसको लेकर हंगामा मचा कर रखे हैं, अब इस मसले पर बात ही नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई विवाद नहीं है, हम सभी लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आरजेडी जेडीयू के झगड़े से महागठबंधन के अन्य दल भड़के। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है और एक दूसरे के विरुद्ध बयान दे रही है। वहीं अब इन दोनों पार्टियों के बीच के झगड़े से नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे लेफ्ट पार्टी भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और इसी कमेटी में सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, न कि अनर्गल बयानबाजी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश सरकार की तरफ से कोई गलती होती है तो हमारा विरोध होगा। बीजेपी के लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इसलिए उनसे सावधान रहने की जरूरत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे सीरीज की शुरुआत 18 जनवरी यानी कि आज से हो रही है, लेकिन सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के मध्य क्रम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बैक इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अय्यर के बाहर होने की जानकारी दी है। बोर्ड ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अय्यर अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाएंगे। बीसीसीआई की ऑल इंडिया सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर की जगह रजत पाटीदार को शामिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाने वाला पहला वनडे हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सन 1930 में महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहयोगी मीरा बेन ने 1959 में भारत छोड़ा। 2004 में हुई क्रिकेट की एक दिवसीय श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 19 रनों से हराया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने 2009 में सौरभ गांगुली को सोने के बैट से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के महान विद्वान समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 1842 में हुआ। मुक्केबाज मोहम्मद अली का जन्म 1942 में हुआ। क्रिकेट खिलाड़ी विनोद कांबली का जन्म 1972 में हुआ। भारत की सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी अर्पणा पोपट का जन्म 1978 में हुआ। 2003 में मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता तथा हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन हुआ। 1966 में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद का निधन हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे गंगा विलास क्रूज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गंगा विलास क्रूज के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एएनआई ने दावा किया है कि गंगा विलास क्रूज उथले पानी के कारण छपरा में फंस गया। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, क्रूज अटका नहीं है और तय समय के अनुसार पटना पहुंच गया। बिना
को यार डाउनलोड किए कुछ ही सेकंड में ऐसे सेव करें इंस्टाग्राम रील। इंस्टाग्राम पर कई रील ऐसी होती है जो हमें काफी पसंद आ जाती है, हम इन्हें अपने फोन की गैलरी में डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐप डाउनलोड किए बिना रील्स को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम को ओपन करना है। इसके बाद उस रील को ओपन करना है जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं। अब शेयर के बटन पर क्लिक करना है और ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है। इतना करते ही रील आपके स्टोरी पेज पर आ जाएगी, हालांकि इसका साइज छोटा होगा। अब आपको जूम करके इसके साइज को बड़ा कर लेना है। यह करने के बाद ऊपर दाएं कोने पर दिख रहे उल्टे तीर के निशान पर क्लिक कर रील को डाउनलोड कर लेना है। अब आप रील को अपनी गैलरी में देख पाएंगे। आप देखेंगे कि रील म्यूजिक के साथ ही डाउनलोड होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अनमोल कुमार, कुश कुमार यादव, नुन्नु गोलू कुमार, उमेश श्रीसिदेव, शंकर मुखिया, कविता कुमारी, रविन्द्र कुमार, सदुल्लाह पलवी, पंकज कुमार, कुंदन कुमार, गौतम कुमार यादव, विकास दास, कुमार अभिषेक, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे में आपके अनुसार किस टीम का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।